में हम लोगों ने यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का कंसेप्ट डिस्कस किया था, है ना। और जावास्क्रिप्ट की अगर अपन बात करें तो जावास्क्रिप्ट के केस में मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, यानी जावास्क्रिप्ट बेसिकली होता क्या है, कैसे क्या काम करता है, क्या स्टैंडर्ड पे वो काम करता है, प्लस उसी के साथ में अगर अपन बात करें किसने डेवलप किया था, क्या एक जनरल डेफिनेशन थी जावास्क्रिप्ट की, फिर उसी के साथ में अगर अपन बात करें तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो पॉइंट आया था आपका डोम, है ना, और बोम, है ना, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोगों ने डिस्कशन किया, है ना। फिर हमने देखा था कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है ना, कि द आउटर मोस्ट लेयर विच रैप्स द एंटायर एचटीएमएल डॉक्यूमेंट इज द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, है ना, तो वो हमने डिस्कस किया था। फिर डॉक्यूमेंट डॉट कंस्ट्रक्टर डॉट नेम, है ना, ऐसा कुछ मैंने आपको सिर्फ एक नोट पैड वैसा थ्योरेटिकल मैनर में लिख कर दिखाया था, प्रोग्रामेटिकली मैनर में हम लोगों ने उसे फ्रेम कर नहीं दिखा था, है ना। मैंने फिर आपको एक सिंपल सा एक एग्जांपल बताया था जो कि आपने देखा होगा लास्ट क्लास में, जिसमें आपने सिर्फ यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग लिखने के बाद में आपने सिंपली यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखकर वो स्टेटमेंट को प्रिंट करवाया था, और फिर कंसोल डॉट लॉक लिखकर वो स्टेटमेंट को यहाँ पर प्रिंट करवाया था, राइट। अब अगर अपन बात करें आज के सेशन में हमें करना क्या है, तो यही जावास्क्रिप्ट के कंसेप्ट को हमें आगे बढ़ाना है, उसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हमें यहाँ पर फ्रेम कर देखना है ना, ये देखना है कि जावास्क्रिप्ट के केस में आप कैसे क्या एग्जांपल्स बनाएंगे, कैसे क्या चीजें यहाँ पर इंप्लीमेंट होंगी, है ना। तो चलते फिर अपन यहाँ पर, तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, एक नया एग्जाम्पल फ्रेम कर लेता हूँ। नए एग्जाम्पल के लिए अपन करेंगे क्या है यहाँ पर, तो मैंने एक नई फाइल बनाई है demo2.html नाम से, राइट। अब demo2.html नाम से फाइल बनाई है, अब अपने को करना क्या है यहाँ पर, तो अपन आ जाते हैं वापस से यहाँ पे। यहाँ आने के बाद में मैंने क्या करा है, मैंने लगाया एक्सक्लेमेटरी मार्क, और यहाँ पर आपको ये सारी चीजें ऐसे देखने को मिल रही है, राइट। अब फिर जैसा कि मैंने आपको बोला था कि जो स्क्रिप्ट होती है उसको आप यहाँ पर हेड के अंदर भी लिख सकते हो, आप बॉडी के अंदर भी लिख सकते हो, राइट। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, एक बार फिर से मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ, और स्क्रिप्ट के अंदर, है ना, अपन यहाँ पर गड़बड़ कर दी, अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने यहाँ पर लिखा है स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट के अंदर अगर अपन बात करें तो मैंने लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट, मैंने यहाँ पे क्या मेंशन किया है, राइट, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, दिस इज स्टेटमेंट वन, राइट, मैंने लिखा दिस इज स्टेटमेंट वन। फिर अपन बात करें अब इसके अलावा अपन और क्या करेंगे, तो दिस इज स्टेटमेंट वन के बाद में मैंने यहाँ पर इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैंने इसे पेस्ट और पेस्ट किया, मैंने यहाँ पर लिखा है स्टेटमेंट टू, मैंने लिखा है स्टेटमेंट थ्री, मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद में अगर अपन बात करें तो मैंने यहाँ पे करा है Ctrl+F5, मैंने लिखा है वेब ऐप। अब इसे अपन एक बार रन कर देखते हैं, तो रन कर देखने पर आप देखेंगे यहाँ पर आपको क्या मिला है, दिस इज स्टेटमेंट वन, दिस इज स्टेटमेंट टू एंड दिस इज स्टेटमेंट थ्री। अब मैं ऐसा चाहता हूँ कि एक के नीचे एक लाइन में आए, तो फिर उसके साथ हम करेंगे क्या यहाँ पे, तो फॉर दैट व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू राइट br टैग। अब मैंने यहाँ पर ऐसा br लिखने का सोचा, मैंने यहाँ पर br लगा दिया, मैंने सेव किया, देखो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं आया, नीचे तो छोड़ो वहां पर जो स्टेटमेंट प्रिंट हो रहे थे वो भी प्रिंट नहीं हुए, क्योंकि याद हो तो मैंने आपको एक चीज बोली थी कि अगर स्क्रिप्ट के अंदर अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो वो पूरी स्क्रिप्ट आपकी क्या करती है, काम करना बंद कर देती है। तो उस केस में ये जो बी आर आपने लगाया है तो ये गलत है, बोले तो आप आपकी स्क्रिप्ट के अंदर डायरेक्ट एचटीएमएल यूज नहीं कर सकते। तो फिर उस केस में क्या मैं यहाँ पर अब लाइन चेंज बिल्कुल भी नहीं कर सकता क्या, तो लाइन चेंज आप कर सकते हो, लेकिन किस केस में, जब आप यहाँ पर आपके एचटीएमएल को आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर लिखेंगे तब। तो उस केस में मेरे को यहाँ पे करना क्या रहेगा, तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखूंगा बी आर, मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पे लिखा है कितना बी आर, और मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पे कितना लिखा है बी आर, मैंने ऐसा कुछ लिखा, मैंने इसे यहाँ पर सेव किया, सेव करके अपन यहाँ पर आया, मैंने इसे रिफ्रेश किया, आप देखेंगे आपको यहाँ पर ये नीचे के स्टेटमेंट देखने को मिल जाएंगे, क्लियर है। सिमिलरली अगर अपन बात करें कि अब यहाँ पर अगर मैं बी आर लगा सकता हूँ तो क्या मैं बाकी सारी चीजें लगा सकता हूँ क्या, हाँ बाकी सारी चीजें भी आप लगा सकते हैं। अगर आपको देखना है आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, स्पेन, स्पेन आपने ओपन किया, आप स्पेन को क्या करेंगे यहाँ पर क्लोज, अब स्पेन ओपन किया है, स्पेन को आपने क्लोज किया है, अब इसके बाद में क्या आएगा, तो स्पेन ओपन स्पेन क्लोज के बाद में अगर अपन बात करें तो अपन यहाँ पर सिंपली लिखेंगे स्टाइल, और स्टाइल में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो स्टाइल में मैंने यहाँ पे लिखा है, अब एक चीज याद रखना है डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स डायरेक्टली नहीं आ सकते, तो जो आपने बाहर डबल कोट्स लगाए हैं तो उसके लिए आप स्टाइल के अंदर क्या सिंगल कोट्स लगाएंगे, राइट। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, तो आपने लिख दिया यहाँ पे कलर, कलर में आपने क्या लिख दिया यहाँ पर रेड, अब यहाँ पर आए आप देखेंगे ये कुछ इस टाइप जैसा देखने को मिलेगा, क्लियर है। तो यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, दिस इज स्टेटमेंट वन, दिस इज स्टेटमेंट टू, दिस इज स्टेटमेंट थ्री, जिसमें यहाँ पर आपने क्या किया है, यहाँ पे आपने स्टाइल में क्या सेट किया है कलर, हाँ यहाँ पर आप ऐसा बोलेंगे कि
ये ऐसा मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो HTML या ऐसा बोलेंगे जो स्क्रिप्ट होता है, तो स्क्रिप्ट के अंदर आप सिर्फ स्क्रिप्टिंग ही लिख सकते हैं, मतलब स्क्रिप्ट टैग के अंदर सिर्फ स्क्रिप्ट ही लिख सकते हैं, उसके अंदर आपका प्योर HTML कंसिडर नहीं होता, प्योर HTML नहीं आता है। तो उस केस में अगर आपको प्योर HTML या अगर आपको HTML लगाना है तो आपको वो डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसके अंदर आपने प्योर HTML लगाया तो ये वहां पर ऐसा एरर कंसिडर होगा जिसकी वजह से वो स्क्रिप्ट आपकी प्रिंट नहीं होगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा अपन इसको और क्या कर सकते हैं, तो ये तो चलो ठीक है, मैंने ऐसा लिखा। आप देखिए यहाँ पर आपने लिखा है Demo 3। आप यहाँ पर आए, अब यहाँ आने के बाद में मैंने ये सारी चीजें यहाँ से हटा दी। या फिर आप ऐसा देखिए कि आपने यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है इस स्क्रिप्ट को आपने यहाँ से कट किया, और इसको कट करने के बाद में ये जो हेड है इसके अंदर आपने लगा दिया। अब आपने यहाँ पर हेड के अंदर लगा दिया। अब हेड के अंदर लगाने से अब होगा क्या, तो आप देखिए यहाँ पर आए, आप यहाँ पर आने के बाद में आप इसे रिफ्रेश करेंगे, आपने करा Demo 3, आपने करा एंटर, तो भी देखो यहाँ पर ये प्रिंट हो रहा है। मतलब एक तो समझ में आई क्या, कि आप भले ही स्क्रिप्ट को आपके बॉडी के अंदर लिखे या फिर आप स्क्रिप्ट को आपके हेड के अंदर लिखे, है ना, वो एज इट इज यहाँ पे प्रिंट होकर चीजें रिप्रेजेंट करने का क्या करेगी, काम करेगी। और वहीं पे अगर अपन बात करें कि मैं ये बाकी की सारी चीजें भी अगर हटा देता हूँ, मैंने ये भी सब कुछ चीजें यहाँ से हटा दी है, और स्टिल अगर मैं यहाँ पर इसे सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद में अगर मैं इसे यहाँ पर रन करता हूँ, है ना, तो भी यहाँ पर आपको देखना है कि हाँ यही चल रहा है। तो आप देखो यहाँ पर मैंने ऐसा कुछ कर दिया। आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर अगर आप इसे रिफ्रेश करेंगे तो आप देखो कैसे चल रहा है। मतलब आप यहाँ पे HTML टैग जैसे डायरेक्टली नहीं भी लिखेंगे, और डायरेक्टली अगर स्क्रिप्ट टैग ओपन, स्क्रिप्ट टैग क्लोज, और उसके अंदर भी अगर चीजें आप लिखकर .html एक्सटेंशन में उस फाइल को सेव करते हैं, और अगर आप उसे रन करते हैं, तो वो डेफिनेटली आपका चलेगा। ये देखिए यहाँ तक। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा और क्या, तो इसके अलावा जैसा कि आपने CSS पढ़ा हुआ है, और CSS में भी आपने देखा था इनलाइन CSS, और उसके अलावा भी आपने देखा था एक्सटर्नल CSS। सिमिलरली यहाँ पर आप स्क्रिप्ट के केस में भी वो चीज इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कैसे, तो अपन आते हैं यहाँ पर, अभी जो देखे रखा हुआ है, अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, तो मैंने इसे करा है सेव एज, मैंने यहाँ पे करा है इसे 4 राइट। अब मैं यहाँ पे करूंगा क्या, तो अब यहाँ पर आकर मैंने ये जो स्क्रिप्ट देखे रखी हुई है, इस स्क्रिप्ट को मैंने यहाँ से क्या करा है कट। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आया, और यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया है, मैंने एक नई फाइल क्रिएट करी जिसका नाम लिखा मैंने माय स्क्रिप्ट .js। मैंने क्या लिखा, माय स्क्रिप्ट .js। अभी जो माय स्क्रिप्ट .js आपने लिखा, ये डायरेक्टली रन नहीं होगी, है ना, ये फाइल आपका ब्राउजर डायरेक्टली रन नहीं कर सकता क्लाइंट साइड पर। तो आपने इसको पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद आप इसे हटा देंगे, और आप इसे भी यहाँ से हटा देंगे। आपको क्या मिला है यहाँ पे, माई स्क्रिप्ट डॉट जे एस के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट, आपको ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। अब आप करेंगे क्या यहाँ पर, तो जो आपको देखने को मिल रहा है, तो आप आएंगे यहाँ पर 4 नंबर के एग्जाम्पल पे, और यहाँ आने के बाद में आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ पर लिखेंगे LIN के लिंक, और लिंक में आपने क्या लिखा है यहाँ पर रिलेशन में स्टाइल शीट, और उसके बाद अपन क्या लिखेंगे HREF, और HREF मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, तो मैंने कर दिया Ctrl+Space बार, और अपने यहाँ पे क्या लिख देंगे माई स्क्रिप्ट डॉट जे एस। ठीक है, बट ये गड़बड़ करी अपन ने, यहाँ पे तो CSS की फाइल को अपन लिंक कैसे करते थे ना, यहाँ पर आपको स्क्रिप्ट ही लिखना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट आप क्या लिखेंगे यहाँ पे SRC, और SRC में आप यहाँ पे क्या कर देंगे, आप कर देंगे MyScript.js। राइट, मैंने इसे सेव किया, सेव करने के बाद में अपन देखते हैं यहाँ पर। तो आप देखेंगे यहाँ पर ही आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिल रहा है। तो इसमें आपने कर रखा है यहाँ पर, तो इसमें बस आपने यहाँ पर अलग से एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाई है .js एक्सटेंशन से, और उसके बाद आपने उसको क्या कर दिया है, इधर ऐड कर दिया। तक ठीक है, तो ये चीजें तो यहाँ पर कुछ आपके इस टाइप से ऐसे इम्प्लीमेंट हुई है ना। फिर आप अगर अपन बात करें अब इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो ये तो मैंने आपको यहाँ पर सिंपली क्या बताया है अपना स्क्रिप्ट के बारे में, कि आप स्क्रिप्ट कैसे बनाएंगे और कैसे यहाँ पर आप लिखेंगे। राइट,
फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, अब इसमें और क्या आता है, तो इसके अलावा फिर अगर अपन बात करें तो आप इसमें बोल सकते हैं कि आपके पास में एक कंसेप्ट आता है, वो कंसेप्ट होता है आपके टोकन्स का। ठीक है, एक कंसेप्ट आता है आपका किसके, आपके टोकन्स का, है ना। अब अगर अपन बात करें कि अब ये टोकन्स का कंसेप्ट बेसिकली होता क्या है, तो क्या समझते हैं आप लोग टोकन से। टोकन वैसे बेसिकली आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा, है ना, जैसे आपने अगर सी पढ़ा होगा, सी प्लस प्लस पढ़ा होगा, जावा पढ़ा होगा, है ना, पाइथन पढ़ा होगा, तो वहां पर भी आपने टोकन का कंसेप्ट देखा होगा, है ना। अब ये बेसिकली टोकन का कंसेप्ट होता क्या है ना, तो वो अपन देखते हैं यहाँ पर। तो उसके लिए मैं काम करता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले मैं अपना नोट पैड ओपन करता हूँ और यहाँ पर मैं मेंशन करते हैं टोकन। अब अगर अपन बात करें कि टोकन मतलब क्या होता है, तो टोकन मतलब आप सिंपली यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं, टोकन इज दी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना। आप क्या बोलेंगे, टोकन क्या होता है, तो टोकन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। टोकन क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है किसका, स्मॉलेस्ट यूनिट है आपके इंफॉर्मेशन का। कैसे, तो सिंपल सी बात है, आप मॉल जाते हैं, आपके पास में कैरी बैग होता है ना, आप किसी शॉप में एंट्री करते हैं, तो यू नीड टू सबमिट यूर कैरी बैग। आपके सबमिट सब कैरी बैग को आपको वहाँ पे क्या करना पड़ता है, सबमिट करना पड़ता है। तो आप वहाँ पे जब आपका कैरी बैग सबमिट करेंगे, तो इन रिस्पेक्ट विथ योर कैरी बैग दे आर सिंपली प्रोवाइडिंग यू अ स्मॉल टोकन। और जो छोटा सा जो टोकन रहेगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, आपके कैरी बैग को रिप्रेजेंट करने का काम करेगा। राइट, बोल सकते हैं अपन ऐसा। तो अगर वो आपके कैरी बैग को रिप्रेजेंट करने का अगर वो काम करेगा, है ना, तो वो छोटा सा जो टोकन है वो क्या कंसिडर होगा एज अ स्मॉलेस्ट यूनिट, किसकी, आपकी इंफॉर्मेशन की, है ना। टोकन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इन्फॉर्मेशन। राइट, अब अगर अपन बात करें कि यहाँ पर जो टोकन है तो वो क्या इंक्लूड करता है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं टोकन इंक्लूड्स। ठीक है, अब टोकन क्या क्या इंक्लूड करके रखेगा, तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो आपके पास में आता है यहाँ पर कॉन्स्टेंट। ठीक है, फिर सेकेंड अगर अपन बात करें तो आता है आपके पास में वेरिएबल। फिर थर्ड अगर अपन बात करें तो आपके पास में आता है कीवर्ड। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर अपन बात करें तो फिर आता है आपके पास में सेपरेटर्स। फिर उसके बाद में अगर अपन बात करें तो आप क्या बोलेंगे, ऑपरेटर्स। ठीक है, और फाइनली एक और आता है आपके पास में क्या, आइडेंटिफायर। तो इसके बाद में अपन लिख देते हैं आइडेंटिफायर, इसको अपन 5 कर देते हैं, इसको 6 कर देते हैं। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, आइडेंटिफायर ना, कॉन्स्टेंट वेरिएबल कीवर्ड आइडेंटिफायर सेपरेटर्स और ऑपरेटर्स। राइट, अब अगर अपन बात करें यहाँ पर, अब की कॉन्स्टेंट मतलब क्या होता है, कॉन्स्टेंट की अगर अपन बात करें तो आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो, कॉन्स्टेंट मतलब फिक्स, एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स फिक्स्ड, है ना। तो आप क्या बोलेंगे, कॉन्स्टेंट इज द एंटिटी, है ना, कॉन्स्टेंट इज द एंटिटी हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड, है ना। कॉन्स्टेंट इज द एंटिटी हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड। कॉन्स्टेंट एक ऐसी एंटिटी होती है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है ना। और आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, हियर इन जावास्क्रिप्ट वी डिफाइन कॉन्स्टेंट बाय कॉन्स्ट कीवर्ड, है ना, हियर इन जावास्क्रिप्ट वी डिफाइन कॉन्स्टेंट बाय कॉन्स्ट कीवर्ड, है ना। अब क्या बोलेंगे, जावास्क्रिप्ट में हम डिफाइन करते हैं कॉन्स्टेंट को किससे, बाय कॉन्स्ट कीवर्ड से। ठीक है, फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा क्या आता है आपके पास में, वेरिएबल। वेरिएबल की केस में आप क्या बोलोगे, तो यू सिंपली नीड टू से वेरिएबल इज द नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन। ठीक है, चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। तो आप क्या बोलेंगे, अगर जिसने आपसे पूछा कि वेरिएबल मतलब क्या होता है, तो वेरिएबल इज द नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन। वेरिएबल मतलब क्या होता है, नाम देना, किसको नाम देना है, मेमोरी लोकेशन को, हुज वैल्यू मे चेंज, जिसकी वैल्यू क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान जिसकी वैल्यू चेंज हो सके उसे अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर, वेरिएबल। एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स वेरिएबल, वेरिएबल मतलब वेरी, वेरी मतलब चेंज।
आप ऐसा बोल सकते हो, वी कैन डिफाइन वेरिएबल्स बाय वेर कॉन्स्ट एंड लेट। यहाँ पर अगर अपन बात करें कि जो वेर है वो ECMAScript 5 स्टैंडर्ड का है, जो कॉन्स्ट है वो ES6 स्टैंडर्ड के है, और जो लेट है वो भी यहाँ पर ES6 स्टैंडर्ड का है ना, कि जो वेर है वो ES5 स्टैंडर्ड का है, कॉन्स्ट ES6 का है, और लेट जो है वो भी आपका ES6 स्टैंडर्ड का है, राइट। अब फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो ये तो मैंने चलो ठीक है ऐसा कुछ लिखा है ना, वैसे वेर क्या है, लेट क्या है, कॉन्स्ट क्या है ना, इससे कैसे क्या आपको तो डील करना है, इनके क्या कंसेप्ट है, क्या थोड़े बहुत इनके बारे में और क्या चीज़ें, क्या पॉइंट है, वो सब अपन अभी आने वाले सेशन में, आने वाले एग्जाम्पल्स में अपन डिस्कस करेंगे। क्लियर है यहाँ तक सभी को? फिर अगर बात करें इसके अलावा क्या आता है, तो इसके अलावा आता है आपके पास में फिर कीवर्ड्स। ठीक है, तो अपन आए यहाँ पर कीवर्ड्स, है ना। कीवर्ड्स के लिए इसमें आप करेंगे क्या, है ना, अब कीवर्ड्स में अपन बोलेंगे क्या, तो आप सिंपली ऐसा बोलेंगे कीवर्ड्स आर रिजर्व्ड वर्ड्स, है ना। कीवर्ड्स क्या है, तो कीवर्ड्स आर रिजर्व्ड वर्ड्स, है ना, whose meaning is already defined. We cannot use keywords as a variable name. और आप क्या बोलेंगे, कीवर्ड्स क्या होते हैं, तो कीवर्ड्स आर रिजर्व्ड वर्ड्स, है ना। कीवर्ड्स जैसे रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं, whose meaning is already defined. इसका मीनिंग क्या होता है, यहाँ पर ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं, है ना। We cannot use keywords as a variable name. आप keywords को as a variable name की तरह use नहीं करते हैं। जैसे आपने देखा होगा आपका for हो गया, while हो गया, case हो गया, switch हो गया, है ना, आपका break हो गया, continue हो गया, तो ये सब क्या consider होंगे, आपके keywords consider होंगे, right? ठीक है। फिर अगर बात करें इसके अलावा, तो keywords के बारे में फिर आई थिंक आपके पास में था identifier, है ना। अब अगर बात करें यहाँ पर आइडेंटिफायर की, तो आइडेंटिफायर के केस में आप क्या बोलेंगे, यूजर डिफाइंड नेम्स। यूजर डिफाइंड नेम्स के केस में आप क्या बोलेंगे, तो आप सिंपली यहाँ पर ऐसा बोलेंगे कि आप कॉन्स्टेंट को यहाँ पर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लोअर केस से रिप्रेजेंट करते हैं। आप यहाँ पर वेरिएबल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर अपर केस से, सॉरी मैंने गड़बड़ करी, यहाँ पर अपन लिखेंगे कॉन्स्टेंट को अपन जनरली रिप्रेजेंट करते हैं किससे, अपर केस से, और वेरिएबल को जनरली अपन रिप्रेजेंट करते हैं किससे, लोअर केस से। और वहीं अगर मैं बात करूं यहाँ पर फंक्शन की, तो फंक्शन की केस में अपन किसका यूज करेंगे, कैमल केस का। ठीक है, अपन किसका यूज करेंगे यहाँ पर, कैमल केस का यूज करेंगे। भाई कैमल केस क्या होता है, तो कैमल केस मतलब आप सिंपली ऐसा बोलेंगे कि जहाँ पर आपको ऐसी रिक्वायरमेंट लगती है कि जहाँ पर आप एक से ज्यादा वर्ड्स को ज्वाइन करके एक सिंगल वर्ड अगर बनाते हैं, जैसे मैंने बोला एड प्रोडक्ट, तो इसमें क्या हुआ, ऐड और प्रोडक्ट दो वर्ड्स है ना, जिसमें से ऐड का ए छोटा है और प्रोडक्ट का पी कैपिटल है ना, तो उसको ज्वाइन करके अपन ने ऐसा जो लिखा हुआ है ना, तो उसको अपन बोलते हैं क्या, यहाँ पर कैमल केस नोटेशन। यहाँ पे एक से ज्यादा वर्ड्स को ज्वाइन करके बनाते हैं, तो पहले वर्ड का पहला लेटर स्मॉल और बाकी के सारे वर्ड्स के पहले लेटर क्या होंगे, कैपिटल होंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ पर ऐसा लिखते हैं ऐड PROD UCT प्रोडक्ट CATEGORY कैटेगरी, अब देखेंगे ऐड में ए छोटा होगा और प्रोडक्ट और कैटेगरी में POC कैपिटल होगा। ठीक है, आता है आपके पास में सेपरेटर, राइट। अब सेपरेटर की अगर अपन बात करें, तो सेपरेटर को आप पंचुएटर्स भी बोल सकते हैं, है ना। पंचुएटर्स की अगर अपन बात करें, तो पंचुएटर्स मतलब क्या होता है, तो पंचुएटर्स मतलब फाइव, क्या, जैसे एक हो गया कॉमा, एक हो गया सेमी कॉलन, एक हो गया कर्ली ब्रेसेस ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज, एक हो गया पैरेंथेसिस, और एक हो गया आपका स्क्वायर ब्रैकेट। सिमिलरली ये क्या है आपके सेपरेटर्स, सेपरेटर्स बोले तो आपके पंचुएटर्स, तो ये क्या करेंगे, चीजों को सेपरेट करने का काम करेंगे। ठीक है, अब वो आप वेरिएबल हो गया, आप स्टेटमेंट हो गया, है ना, आपके साइज हो गई, है ना, तो वो सारी चीजों को ये क्या करेगा, आपके आर्ग्यूमेंट्स हो गए, तो इन सबको रिप्रेजेंट करने का कौन काम करता है, आपका सेपरेटर करता है, राइट। और फिर फाइनली अगर अपन बात करें, तो इसके बाद में क्या आता है आपके पास में ऑपरेटर, है ना। क्या ऑपरेटर मतलब बेसिकली होता क्या है, तब उस केस में आप बोलेंगे क्या यहाँ पे, ऑपरेटर्स
are the symbols which are used to perform, है ना, which are used, है ना, जिसको अपन use करते हैं to perform, है ना, operators are the symbols which are used to perform some operations on, है ना, one or more than one operand. आपने हमें क्या बोला है, आपने सिंपली ऐसा बोला है ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स. ऑपरेटर्स क्या है, ऑपरेटर्स आपके ऐसे सिंबल्स है विच आर यूज, जिसको आप क्या करते हो यहाँ पे यूज करते हो, किस लिए यूज करते हो, विच आर यूज टू परफॉर्म सम ऑपरेशन, जिसको आप यूज करते हो, किस लिए यूज करते हो, परफॉर्म करने के लिए, क्या परफॉर्म करने के लिए, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, जिसके ऊपर ऑन वन और मोर देन वन ऑपरेंड, एक या एक से ज्यादा ऑपरेंड के ऊपर. अब वो ऑपरेंड क्या हो सकता है, तो ऑपरेंड आपका ना क्या हो सकता है यहाँ पर आपका, तो ऑपरेंड आपका वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट हो सकते हैं. मतलब कैसे, आप सिंपली ऐसा बोलेंगे कि आप यहाँ पे 5 प्लस 6 लिख सकते हो, है ना, आप x प्लस 5 लिख सकते हो, ठीक है, और आप यहाँ पर डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, x प्लस y भी आप लिख सकते हो. आपने अभी कैसे ऑपरेशन परफॉर्म किया, कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट का परफॉर्म किया, वेरिएबल वेरिएबल का परफॉर्म किया, कॉन्स्टेंट और वेरिएबल का परफॉर्म किया, राइट. तो ये क्या होता है आपका, ऑपरेंड होता है. वही अगर मैं बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा फिर ऑपरेटर के केस में क्या आता है आपके पास, फिर टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, ठीक है. तो अब अगर अपन बात करें यहाँ पर टाइप्स ऑफ ऑपरेटर की, तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर होते क्या है तो वो अपन डिस्कस करते हैं, लेकिन उसके भी पहले अगर अपन बात करें, ये जितना आपने लिखा हुआ है उसको एक बार आप गो थ्रू करें, ठीक है. पास्कल केस का था, पास्कल केस बोले तो एमएल केस होता है, पास्कल होता है. पास्कल केस का सिंटैक्स एक बार देखना पड़ेगा यार, सिंटैक्स के साथ ऊपर ऊपर इतना ही है, ठीक है, पास्कल केस देख लेंगे एक बार, ठीक है. अब एक बार इसको रीड आउट करें, ये क्या देख के रखा हुआ है, इसको एक काम करते हैं अपन, यहाँ पर ऐसा कुछ कर देते हैं. ये ऐसा एग्जांपल है ना, देखिए यहाँ पर ये, इसको फटाफट रीड आउट करें, तो अपन समझते हैं इसमें. अपन देखेंगे इतने टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, जो अपर केस लोअर केस दिखे रखा हुआ है, इसमें और क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, तो अगर मैं ऑपरेटर्स की बात करता हूँ यहाँ पे, है ना, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, अब ऑपरेटर्स की इसमें आप क्या बोलेंगे, तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो सबसे पहले आपके पास में क्या आता है, असाइनमेंट ऑपरेटर, राइट. असाइनमेंट ऑपरेटर तो आप सभी को पता है, इक्वल्स टू ऑपरेटर, राइट, जो कि करता क्या है यहाँ पे, तो इट सिंपली असाइन्स राइट हैंड साइड वैल्यू टू लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल, है ना, राइट हैंड साइड की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल में असाइन करने का ये क्या करता है आपका, काम करता है, राइट. ये ऑपरेटर्स वो सारे ऑपरेटर्स है जो बेसिक ऑपरेटर्स आपने अगर सी प्रोग्रामिंग, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, जावा प्रोग्रामिंग अगर पढ़ी है तो उसमें भी आपने देखा होगा, और अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो भी ये कुछ ऑपरेटर्स आपके बेसिक ऑपरेटर्स कंसिडर होते हैं, है ना, जिसमें से सबसे पहला ऑपरेटर जो हमने देखा है वो देखा है असाइनमेंट ऑपरेटर, है ना. फिर उसके बाद में अगर अपन बात करें तो उसके बाद में क्या आता है, अरिथमेटिक ऑपरेटर, राइट. अभी अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर की अगर अपन बात करें तो अरिथमेटिक ऑपरेटर के हम बोलेंगे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और फिर मॉड्यूलस, राइट. अब अगर अपन बात करें कि अब ये है क्या, तो आपको भी पता है कि प्लस मतलब एडिशन, माइनस मतलब सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई मतलब मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड मतलब डिवीजन, और मॉड्यूलस मतलब क्या होता है, तो मॉड्यूलस मतलब ये डील करता है आपके रिमाइंडर से, है ना, और आपका जो वो डिवाइड वाला है वो किसे डील करता है, आपके क्वोशेंट से डील करता है, राइट.
ये तो आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर हो गया। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा तो अपन आते हैं यहाँ पर, तो असाइनमेंट ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, फिर उसके बाद में आता है आपके पास में शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। एक शॉर्ट हैंड ऑपरेटर को आप क्या बोल सकते हैं, कंपाउंड ऑपरेटर, या इसी को आप क्या बोल सकते हो, अरिथमेटिक अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर, राइट। अभी अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर अभी होते क्या है, तो आप ऐसा बोलेंगे प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, डिवाइड इक्वल्स टू और मॉड्यूलस इक्वल्स टू। मतलब ये काम क्या करते हैं, तो आप ऐसा बोलेंगे कि अगर मैंने लिखा है ए प्लस फाइव, और इसको ए प्लस फाइव को मैं किसमें रखना चाहता हूँ यहाँ पर, तो मैं इसको ए में रखना चाहता हूँ, कि ए प्लस फाइव लेके वापस मैं अगर इसको ए में रखना चाहता हूँ, इसको अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट हैंड ऑपरेटर से देखूँ तो उससे मेरे को लिखना रहेगा ए प्लस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पर फाइव, है ना। कि अगर मैंने ए प्लस फाइव लेके वापस से उसको ए में रखा तो उसकी जगह मैं शॉर्ट हैंड ऑपरेटर का यूज करके क्या लिखूंगा, ए प्लस इक्वल्स टू फाइव, वे सिंपली रिप्रेजेंट्स ए में फाइव की वैल्यू ऐड होगी और वापस से ए में जाके क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी। फिर अगर बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा फिर आप देखेंगे यहाँ पर आता है इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, राइट। ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर को भी आप क्लासिफाई करते हैं किसमें, आप उसको क्लासिफाई करते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट में, ठीक है, और फिर किसमें क्लासिफाई करते हैं आप यहाँ पर प्री इंक्रीमेंट में, ठीक है। अब ये पोस्ट इंक्रीमेंट क्या बोलता है यहाँ पे, पोस्ट इंक्रीमेंट सिंपली बोलता है कि पहले आपको क्या करना है यहाँ पर, प्रिंट करना है ना, यूज करोगे या फिर आप पहले यहाँ पे क्या करोगे, प्रिंट करोगे, और उसके बाद में आप क्या करोगे यहाँ पे, आप करोगे इंक्रीमेंट, पहले यूज या फिर आप प्रिंट करें, बाद में आप क्या करेंगे यहाँ पर इंक्रीमेंट। और यहाँ पर अगर अपन बात करें प्री इंक्रीमेंट, तो ये क्या बोलता है कि पहले आप क्या करेंगे यहाँ पे इंक्रीमेंट, और उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा आपके पास में, तो पहले आप इंक्रीमेंट करेंगे, बाद में फिर आप उसे यहाँ पर या तो यूज या फिर प्रिंट करेंगे। सिमिलरली अगर अपन बात करें तो यहाँ पर क्या आता है आपके पास में, तो जैसे आपने यहाँ पर ये लिखा है वैसे ही मैंने इसे यहाँ पे फिर से कॉपी किया, कॉपी करके मैंने इसे पेस्ट किया, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा पोस्ट डिक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट। ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा कि पहले आप यूज या फिर प्रिंट करें, और उसके बाद में आप उसको क्या करें यहाँ पे डिक्रीमेंट करें, और प्री डिक्रीमेंट क्या बोलेगा कि पहले आप उसे डिक्रीमेंट करें, फिर उसके बाद में आप उसे क्या करेंगे यहाँ पे यूज या फिर प्रिंट करवाएंगे, राइट। तो ये क्या आप यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ये आप यहाँ पर आपके ऑपरेटर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, है ना। आई थिंक ये वाला एग्जाम्पल भी आपको क्लियर होगा, है ना। जैसे आपने इसका एक एग्जाम्पल लिखा होगा, रियल लाइफ एग्जाम्पल समझो, जैसे आपका सेल फोन होता है तो उसमें भी होता है ना प्रीपेड और पोस्ट पेड। प्रीपेड क्या बोलता है कि पहले रिचार्ज करे और फिर उसके बाद में आप बात करें, और पोस्ट पेड क्या बोलता है पहले बात करे बाद में रिचार्ज करे। पोस्ट पेड क्या बोल रहा है कि पहले आप यूज कर लो बाद में आप उसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते रहना, और प्रीपेड क्या बोलता है कि पहले इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करो बाद में उसको फिर क्या करते रहना, यूज करते रहना। क्लियर नहीं आता है। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा अगर अपन बात करें तो यहाँ पर आता है आपके पास में कंडीशनल, है ना। यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, यहाँ पर आप बोलेंगे कंडीशनल ऑपरेटर, ये कंडीशनल ऑपरेटर को अपन क्या बोलते हैं, टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। अब ये क्या बोलता है यहाँ पर, तो ये सिंटेक्स के तौर पे बोलता है आपको क्या कि यहाँ पर आएगी आपकी कंडीशन, और कंडीशन की केस में आप क्या बोलेंगे, यहाँ पर आएगा आपके पास में एक्सप्रेशन वन, या फिर आप बोलेंगे यहाँ पर एक्सप्रेशन टू, ठीक। अगर अपन बात करें यहाँ पे जो कंडीशन देख रखा है एक्सप्रेशन वन और एक्सप्रेशन टू, तो इसका मतलब क्या कि आप ऐसा बोलेंगे कि अगर यहाँ पर, है ना, कंडीशन अगर आपकी क्या होती है कि अगर यहाँ पर आपके पास में कंडीशन अगर आपकी ट्रू होती है ना, तो कंट्रोल कहाँ जाएगा आपका, यहाँ पर एक्सप्रेशन वन पे, और अगर नहीं कंडीशन अगर आपकी क्या हो जाती है यहाँ पर, फॉल्स हो जाती है, ठीक है। तो फिर आप उस केस में आप क्या बोलेंगे, अगर कंडीशन यहाँ पर आपकी क्या हो गई है, फॉल्स हो गई है, तो कंडीशन अगर यहाँ पर आपकी फॉल्स हो गई है, आप कहाँ जाएंगे, आप जाएंगे आपके एक्सप्रेशन टू पर, ठीक है। क्या समझ में आया सभी को?
आप क्या बोलेंगे यहाँ पे कि कंडीशन अगर सही है तो एक्सप्रेशन वन पर जाएंगे, और कंडीशन अगर आपकी फॉल्स है तो आप कहाँ से जाएंगे, आपके एक्सप्रेशन टू पर। तो वहीं अगर अपन बात करें कि जो कंडीशनल ऑपरेटर या फिर टर्नरी ऑपरेटर आपको देके रखा हुआ है, इसी को अपन कैटेगराइज करते हैं किसमें, एम आई एस सी मिसलिनियस ऑपरेटर में, कैटेगराइज करते हैं मिसलिनियस या फिर मेस ऑपरेटर में, इसको अपन कैटेगराइज करते हैं। फिर वहीं अगर अपन बात करें सिक्स के बाद में, फाइव के बाद में सिक्स नंबर है ना, तो आपने क्या क्या देख लिया है, यहाँ पर आता है आपके पास में रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर में आप क्या करेंगे, तो आप बोलेंगे लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, डबल इक्वल्स टू, और यहाँ पर क्या जाएगा आपके पास में नॉट इक्वल्स टू। आई थिंक ये रिलेशनल ऑपरेटर भी आपने पढ़े हुए हैं और आपको पता है रिलेशनल मतलब ये रिलेशन बताएगा कि जो स्पेसिफिक वैल्यू है वो छोटी है या बड़ी है या कैसी है, less than, greater than, less than equals to, greater than equals to, double equals to or not equals to, right? फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा और क्या आता है यहाँ पर, तो इसके अलावा अगर अपन देखे तो यहाँ पर फिर आता है आपके पास में लॉजिकल ऑपरेटर। अभी लॉजिकल ऑपरेटर की अगर अपन बात करें तो इसमें आप क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर आता है आपके पास में क्या, लॉजिकल एंड। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर और क्या आता है आपके पास में, तो इसके बाद में आता है लॉजिकल और। ठीक, और इसके बाद में अगर अपन बात करें यहाँ पर अब क्या आएगा, तो इसके बाद में आएगा यहाँ पर लॉजिकल एंड और लॉजिकल नॉट। ठीक, मैंने लिखा एंड, मैंने लिखा और, मैंने लिखा यहाँ पर नॉट। अब अगर अपन बात करें यहाँ पे लॉजिकल एंड और नॉट में, तो एंड मतलब क्या होगा, एंड मतलब आप ऐसे डबल एंड लगाएंगे, और मतलब क्या होगा, और मतलब आप ऐसे दो पाइप का सिंबल लगाएंगे, और नॉट मतलब क्या होगा, तो नॉट की इसमें आप ऐसा एक्सक्लेमेटरी मार्क यहाँ पे लगा देंगे। लॉजिकल एंड बोलता क्या है, तो लॉजिकल एंड बोलता है व्हेन ऑल द कंडीशंस आर ट्रू देन ओनली अपना, व्हेन ऑल द कंडीशंस आर ट्रू देन ओनली रिजल्टेंट विल बी ट्रू। जब सारी कंडीशंस यहाँ पे क्या होगी आपकी ट्रू होगी, देन ओनली रिजल्टेंट विल बी True. तो ही यहाँ पे जो आपका रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, यहाँ पर आपका ट्रू होगा। ठीक है, अब यहाँ पे सारी कंडीशंस ट्रू होगी तभी रिजल्टेंट ट्रू होगा। मतलब कैसे, कि जैसे अगर आप यहाँ पर इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखिए, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिखा है ट्रू, मैंने लिखा है यहाँ पे ट्रू, तो ट्रू ट्रू क्या देगा आपको, यहाँ पे ट्रू देगा। लेकिन अगर आपने देखा यहाँ पे ट्रू लिखा है और यहाँ पे कितना लिखा है, फॉल्स लिखा है, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। सारी कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू मिलेगा, और एक भी फॉल्स होगा तो कितना दे देगा ये आपको, फॉल्स, है ना। तो अब यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, यहाँ पर आप बोलेंगे लॉजिकल और, तो आप क्या बोलेंगे, इफ एनी वन कंडीशन इज ट्रू, है ना, इफ एनी वन कंडीशन इज ट्रू देन द रिजल्टेंट विल बी ट्रू। अब इसमें आपने क्या बोला यहाँ पर, इफ एनी वन कंडीशन इज ट्रू देन द रिजल्टेंट विल बी ट्रू, मतलब अगर अपन बात करें यहाँ पे, मैंने यहाँ पे क्या बात करी, ट्रू ट्रू, तो ट्रू ट्रू कितना देगा यहाँ पे, ट्रू देगा। और मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने लिखा है ट्रू, मैंने यहाँ पे कितना लिखा है, फॉल्स, मैंने यहाँ पे कितना लिखा है, वो भी यहाँ पे क्या मिलेगा, ट्रू। आप क्या बोलेंगे, इफ एनी वन कंडीशन इज ट्रू है ना, देन द रिजल्टेंट विल बी ट्रू, अगर एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो रिजल्टेंट क्या होगा आपका, ट्रू होगा। और यहाँ पे लॉजिकल नॉट की केस में आप क्या बोलेंगे, यहाँ पे लॉजिकल नॉट की केस में आप बोलेंगे अपोजिट, अपोजिट, अपोजिट मतलब आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, तो ट्रू है तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में यहाँ पर, फॉल्स। और यहाँ पर अगर आपके पास में फॉल्स है तो कितना हो जाएगा यहाँ पर आपके पास में, और फाइनली अगर अपन बात करें तो अपने पास में एक ऑपरेटर आता है क्या, बिटवाइज ऑपरेटर, राइट। बिटवाइज ऑपरेटर के केस में भी आपके पास में क्या आता है, तो आपके पास में आता है बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट। ठीक है, और बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट में अपन क्या करते हैं, यहाँ पर ऐसे कुछ लगाते हैं, ऐसे कॉपी किया, यहाँ पर इसको पेस्ट किया, अपन ये लिखेंगे बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट, अपन लिखेंगे बिटवाइज आर आई जी एस टी राइट शिफ्ट। राइट शिफ्ट के लिए अपने को क्या करना रहेगा यहाँ पर, तो वो ऐसा कुछ लिखना रहेगा, है ना। पर अब अगर अपन बात करें एक और चीज़, ये जो रिलेशनल ऑपरेटर लिखा था ना आपने, यहाँ पे लिखा था क्या, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, तो इसी में इक्वल आता है, ट्रिपल इक्वल टू भी आता है। डबल इक्वल टू क्या करता है, इसे वैल्यू चेक करता है, लेकिन ट्रिपल इक्वल टू उसकी वैल्यू प्लस टाइप, है ना, दोनों चेक करने का काम करता है। सिमिलरली आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, यहाँ पर आएगा आपके पास में बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट,
रहेगा बिटवाइज राइट शिफ्ट, तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास में, बिटवाइज एक्सोर। ठीक है, एग्जॉर कैसा होता है, यहाँ पर एग्जॉर ऐसा होता है। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, तो लेफ्ट शिफ्ट हो गया, राइट शिफ्ट हो गया, एग्जॉर हो गया, फिर होता है यहाँ पे बिटवाइज एंड, रहता है यहाँ पे क्या, बिटवाइज और। ठीक है, अगर बिटवाइज एंड की बात करें, यहाँ पर क्या आएगा आपके पास में एंड, और की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कैसा आएगा, ये आपके पास में ऐसा और, राइट। एक्सऑर हो गया, एंड हो गया, और हो गया, एक्सऑर हो गया, लेफ्ट शिफ्ट हो गया, राइट शिफ्ट हो गया, और फाइनली एक और बचता है, वो है आपके क्या, ऐसा टिल्ड का साइन, बोले तो कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये बिटवाइज ऑपरेटर कैसे काम करता है, तो जो बिटवाइज ऑपरेटर है, ये बिटवाइज ऑपरेटर बेसिकली आपके हाँ, बिटवाइज ऑपरेटर किस पे काम करता है, तो बिटवाइज ऑपरेटर बेसिकली आपके बिट्स पे काम करने का काम करता है। बिट्स पे काम करता है मतलब कैसे, तो आपका 0 1 हो गया है ना, तो उस पे काम करने का क्या करता है, ये काम करता है कि आप पहले आपके जो नंबर्स है, डिजिट्स है, उसको आप 0 1 में कन्वर्ट करेंगे, फिर आप लेफ्ट में जितने भी नंबर ऑफ बिट्स देकर रखी हुई उससे आप उसको शिफ्ट करेंगे, राइट में बिट्स देकर रखे तो राइट में आप उसको शिफ्ट करेंगे, है ना। फिर एक्स और कॉम्प्लीमेंट और ये सब आपके फॉर्मूले बेस्ड जो भी इंटरनल कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंगली क्या करेंगे, यहाँ पर आपके काम कर देने का आपको काम करते हैं। क्लियर किया यहाँ तक, इसमें आई थिंक किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं, ये तो आपने किसके बारे में डिस्कस किया, यहाँ पर आपके ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस किया, जिसमें मैंने आपको क्या बताया यहाँ पर कि जो आपके ऑपरेटर्स होते हैं ना, बोले तो आपने जो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स यहाँ पर डिस्कस किए हैं, इसमें सबसे पहले आता है आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर, सॉरी असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर अरिथमेटिक ऑपरेटर, फिर स्टैंडर्ड होंगे कंपाउंड ऑपरेटर या अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर या टर्नरी ऑपरेटर, या उसको बोलते हैं मिसेलेनियस ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, उसके बारे में आता है बिटवाइज ऑपरेटर। फिर यहाँ पर आई थिंक ये कंसेप्ट आप सभी को क्या होगा, यहाँ पर क्लियर होगा। अब फिर अगर बात करें इसके अलावा इसमें और क्या आता है, तो इसके अलावा आप सिंपली यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि ये ऑपरेटर्स के साथ में ही इसके पास में एक और कंसेप्ट आता है, दैट कंसेप्ट इज नोन एज डेटा टाइप। ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे, डेटा टाइप। अब ये डेटा टाइप के कंसेप्ट की अगर अपन बात करें तो आप क्या बोलेंगे, डेटा टाइप है ना, सिंपली रिप्रेजेंट द टाइप एंड साइज ऑफ डेटा। ऐसा आप क्या बोलेंगे, डेटा टाइप सिंपली रिप्रेजेंट्स द टाइप एंड साइज ऑफ डेटा। जो डेटा टाइप है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो जो डेटा टाइप है नाम से समझ में आ रहा है ना, एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स, डेटा टाइप मतलब डेटा का टाइप, तो डेटा टाइप सिंपली रिप्रेजेंट्स द टाइप एंड साइज ऑफ डेटा। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, टाइप और साइज, किसके, आपके डेटा की है ना, को रिप्रेजेंट करने का काम करेगा। फिर आप ऐसा बोल सकते हो, डेटा टाइप्स कैन बी क्लासिफाइड एज, डेटा टाइप को आप कैसे क्लासिफाई कर सकते हो, तो डेटा टाइप कैन बी क्लासिफाइड एज, सबसे पहले यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास में, आप बोलेंगे प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, और अब आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, अब यहाँ पर बोलेंगे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, अपन सेव कर देते हैं यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, तो अपन लिख लेते हैं यहाँ पे टोकन्स। लेने आता है, तो मैंने क्या बोला, डेटा टाइप क्या करेगा, तो डेटा टाइप सिंपली रिप्रेजेंट्स द टाइप एंड साइज ऑफ डेटा है ना, टाइप और साइज रिप्रेजेंट करता है डेटा की। और उसके अलावा अगर अपन बात करें क्या और कैसे, तो डेटा टाइप कैन बी क्लासिफाइड एज प्रिमिटिव डेटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। लेने आता, ठीक है। अब फिर अगर अपन बात करें तो इसमें अगर अपन बात करें यहाँ पे जो साइज लिखा है मैंने, ये साइज अगर मैं नहीं भी लिखता हूँ तो भी चल जाएगा यहाँ पर, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपके ऐसे बाइट्स वगैरह का तो कोई कंसेप्ट होता ही नहीं है ना, कि इंटीजर शॉर्ट लॉन्ग बाइट, कि इतना डेटा इसमें आएगा, इतना डेटा इसमें आएगा है ना, वो पूरा डेटा अगर नंबर है तो वो नंबर में ही आएगा, तो आप सिंपली ऐसा बोलिए डेटा टाइप सिंपली रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ डेटा ना, डेटा टाइप सिंपली रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ डेटा, राइट। फिर अगर अपन बात करें क्या और कैसे, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो प्रिमिटिव है ना डेटा टाइप्स है ना, आपने यहाँ पे क्या लिखा है, प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब ये प्रिमिटिव डेटा टाइप में क्या आता है आपके पास में, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप में आपके पास में आता है यहाँ पर सबसे पहले आ जाता है आपके पास में क्या, स्ट्रिंग। ठीक है, तो इसमें क्या जाता है आपके पास में, बूलियन। ठीक है, और इसमें क्या जाता है आपके पास में यहाँ पर, नंबर। तो क्या जाता है यहाँ पर आपके पास में, नल। ठीक है, यहाँ पे क्या जाता है आपके पास में, अनडिफाइंड। ठीक है, और क्या जाता है यहाँ पर आपके पास में,
सिंबल ठीक है। फिर क्या आता है आपके पास में, यहाँ पर आता है हमारे पास में बिग इंट, ये नहीं आता है ना। तो इसमें आप क्या बोलेंगे, आपके पास में आता है यहाँ पर प्रिमिटिव डेटा टाइप में, आपके पास में यहाँ पर आता है एक तो स्ट्रिंग आ जाता है, फिर स्ट्रिंग के बाद आप क्या बोलेंगे स्ट्रिंग है ना, फिर बुलियन, फिर नंबर है ना, फिर आप क्या बोलेंगे नल, फिर क्या आता है आपके पास में अनडिफाइंड है ना, और उसके बाद फिर आप क्या बोलेंगे यहाँ पर आपके पास में आता है सिम्बॉल, और फिर क्या आता है आपके पास में यहाँ पर बिगिंट। वहीं अगर अपन बात करें नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की है ना, कि अगर मैं यहाँ पर आऊँ और यहाँ पर आकर मैंने बोला है नॉन प्रिमिटिव ठीक है, अभी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप मैंने लिखा है यहाँ पर, अभी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की केस में अभी यहाँ पर क्या आता है, तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की केस में यहाँ पर आ जाता है कि आपके पास में क्लासेस ठीक है, यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर हम बोलेंगे एरेस, एरे ठीक है। या अगर अपन बात करें तो क्लासेस के जरिए मैं थोड़ा सा अगर और प्रॉपर मैनर में बात करूँ तो अपन यहाँ पर बोलेंगे क्या ऑब्जेक्ट, और एरे की जगह भी अगर मैं बात करूँ ना प्रॉपर तरीके से तो अपने यहाँ पे बोलेंगे क्या फंक्शन। अगर आपने पूछा कि प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या है, आप क्या बोलेंगे, प्रिमिटिव में तो स्ट्रिंग बुलियन नंबर नल अनडिफाइंड सिंबल बिगिंट आ जाएगा, और नॉन प्रिमिटिव में क्या जाएगा, नॉन प्रिमिटिव में आपके पास आ जाएगा ऑब्जेक्ट आ जाएगा है ना, फिर साथ में आपके पास आपका एरे आ जाएगा, फिर आपके पास में आपका फंक्शन आ जाएगा एक्सेट्रा। ये देखिए यहाँ तक ठीक है, तो ये तो जो भी आपने देखा है यहाँ पर है ना, तो ये आपने सिर्फ थोड़ा सा थ्योरेटिकल कंटेंट देखा है ना, और इस थ्योरेटिकल कंटेंट में भी आपने क्या देखा है यहाँ पर, आपने आपके डेटा टाइप्स के बारे में देखा है ना, और डेटा टाइप के बाद में फिर इसके अलावा आपने यहाँ पर आपके ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस किया है, और उसके भी पहले अगर अपन बात करें तो उसके भी पहले हमने कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स देखे थे है ना। बेसिक एग्जाम्पल्स में भी मैंने आपको ये बताया था कि अगर कोई स्क्रिप्ट अगर लिखना है तो वो स्क्रिप्ट को अपन कैसे क्या लिखेंगे है ना, और वो स्क्रिप्ट लिखने के बाद में आप कैसे उसको हेड में लिखना चाहते तो हेड में, बॉडी में लिखना चाहते तो बॉडी में, या फिर आप अगर उसको एक्सटर्नल स्क्रिप्टिंग फाइल बनाकर अगर यूज करना चाहते तो आप कैसे करेंगे, तो वो मैंने आपको कॉन्सेप्ट इसके पहले वाले एग्जांपल्स में ऑन इन दी स्टार्टिंग ऑफ सेशन आपको क्या कर रहे थे बताए थे। क्लियर है यहाँ तक है ना, तो ये कॉन्सेप्ट तो आपका यहाँ पे कुछ स्टेप से देकर रखा हुआ है ना, बाकी फिर इसके आगे के जो एग्जाम्पल्स रहेंगे वो अपन कंटिन्यू करेंगे इसमें अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल में राइट ठीक है।